हेरा झूठ कपटियो रे छल बेईमानी पाप जगत में छाया रे लोगों, ये तो बुरा जमाना आया रे और झूठ कपट और छल बेईमानी पाप जगत में छाया रे। जो पहले का जमाना था और जो आज का टाइम, आज का जो जमाना है, बहुत गणा अंतर आ रहा है, बहुत ज्यादा अंतर है। जो पहले का उठना पहनना था, खाना पीना था, वो आज के टाइम में रहा नहीं है। जो पहले के टाइम में जो शर्म होया करती, आंखों की शर्म होया करती, वो आज के टाइम में बिल्कुल चेंज है। और कहीं ना कहीं गांव में आज भी, कहीं ना कहीं गांव में एक आधी शर्म, एक आधा गांव ईशा बस रहा है, जड़ा वो एक कानून का दे आज भी चल रहे हैं। और जित जित नहीं चल रहे, और ईशे ईशे भाइया ने भी मर जाना चाहिए, ईशी ईशी माताओं ने भी मर जाना चाहिए, ईशी ईशी छोरिया ने भी मर जाना चाहिए, किसी किसी छोरिया ने मर जाना चाहिए, और ईशी ईशी ब्याता ने भी मर जाना चाहिए ताऊ, जो ये काम कर रहे हैं कौन से। भाई की जड़, भाई की जड़, भाई कटे भाई की जड़, मेरे भाई कटे ऐसा भाई मरियो रे। जिस जननी के ममता को ना ऐसी माई मरियो रे। खानदान के जो खानदान के बट्टा ला दे ऐसी जाई मरियो रे। गैर मर्द ते जो गैर मर्द ते आंख मिलावे लोगो ऐसी ब्याही मरियो रे। गैर मर्द ते नजर मिलावे ऐसी ब्याही मरियो। किसी चीज का घमंड ना करियो, बहुत मुश्किल है आज के टाइम में। कह तो दे है कि मैं तेरा पक्का दोस्त हूँ, सच्चा मित्र हूँ। पहले के टाइम की जो कृष्ण सुदामा की यारी थी, वो यारी आज के टाइम में रही नहीं है। कहना बहुत आसान है परंतु निभाना बहुत मुश्किल है। कह तो देते हैं कि मैं तेरा मित्र हूँ, दोस्त हूँ तेरा, लेकिन दोस्त लाशी मांगने के बाद नेता जाओगा, पर चूल्हे के नानी गा रहेगी, हाँ नुपल्ला कर बैठी रहेगी, हाँ सुतरी सी बहु सैक नहीं। ऐसे यार दोस्तों को भी मर जाना चाहिए जो आशिकी करते हैं, प्यार करते हैं, प्यार मोहब्बत जिसे कहते हैं। पहले के टाइम में जो मोहब्बत थी,
प्यार तो रंजे ने भी करा था, लैला मजनू ने भी करा था, लेकिन जो आज के टाइम की जो आशिकी है वो आशिकी किसी है, और इसी आशिकी ना मर जाना चाहिए, ऐसे आशिक ना मर जाना चाहिए, कैसे आशिक ना मर जाना चाहिए। यार की बेटी बहन तक जो, यार की बेटी बहन तक जो, ऐसा यार मरियो रे, हवस नशे में, हवस नशे में अंधा हो जा, ऐसा यार मरियो रे, बेटी मारी जहां बेटी मारी, जावे गर्भ में वो परिवार मरियो रे, भाई के घर हिस्सा मांगे, ऐसी बाहर छिनाल मरियो रे, आजकल एक नया सिस्टम और चल रहा है, घर में पहली बहू रहूगी उसने दूसरे साल होते तीसरे साल होते तलाक दे देगी, मेरा तो दिल उस पार है, हर उसकी गल्ला ब्याह करूंगा। और बताया है कि जो पिता अपने बच्चे के लिए सब कुछ करता है उस पिता को बुढ़ापे में वो बेटा ऐसे ही छोड़ देता, वृद्ध आश्रम में ले जा करके छोड़ देता है, इसे छोरे ने भी मर जाना चाहिए। क्या लिखा वाला आह गुरु जी, ए रपूत कपूते करे जो बेटा, पूत कपूते करे जो बेटा, गोत्रचारी मरियो रे, इसकी सुन के, इसकी सुन के उस ते कह दे वो लंकारी मरियो रे, जिस्म बेच के जो जिस्म बेच के नोट कमावे ऐसी नारी मरियो रे, दूजी ब्याके, दूजी ब्याके लावे घर में ऐसा पलम हजारी मरियो रे, तुझी ब्याह लावे घर में ऐसा पलम हजारी मरियो रे, लोग खोटे कर्तव्य दुख दे जांगे, ओ खोटे कर्तव्य दुख दे जांगे, ये रखू ना दिल समझा, पाप जगत
की इज्जत बिगड़ती हो, जहाँ उसकी मान मर्यादा को लालच लगती हो, वो इंसान को काम करना नहीं चाहिए और वहां इंसान को जाना नहीं चाहिए। बताया है दारू पीले हैं और नालियों में पड़े रहे, नाल में पड़े रहेंगे, गाला में पड़े रहेंगे, कुत्ते मुंह चाटेंगे, कुत्ते मुंह चाटे हैं घर में बैठे बैठे, तो इतने बड़े बड़े बोर मारते हैं कि हमारे घर ना तो न्यूज है और हमारे घर ना तो न्यूज है। अरे घर में चाहे मुस्सा गला करता पाओ, बार अगले दिन मेरा पटेगा, नाल में पड़िया है, गाल में पड़िया है, नाली में पड़िया है, कुत्ते मुंह चाटन लग रही है। गरा के बताओगे कि वो फलाना तो थारी गाल में पड़िया है, कुत्ते मुंह चाटन लग रही है, कितका इज्जतदार बताया है। इंसान को ऐसा खाना पीना बंद कर देना चाहिए जिससे इज्जत बिगड़ती हो। ऐसे रिश्तेदारों से नाता तोड़ देना चाहिए जो रिश्तेदार घर न आके खाते खाते जूत मारते, ऐसे रिश्तेदारों से नाता जोड़ दे तोड़ देना चाहिए। मेहरबानो चौथी गली में क्या बताया वाला, इज्जत बिगड़े पीने ते ऐसा, इज्जत बिगड़े पीने ते ऐसा, पीना खाना मरियो रे, जात बिगाड़े रिश्तेदारी ऐसा, नया पुराना मरियो रे, मर्यादा ने जो मर्यादा ने तोड़े ऐसा, गंदा गाना मरियो रे, तुलना करता जो तुलना करता कवियों से ऐसा, सतन खटाना मरियो रे, तुलना करता कवियों से ऐसा, सतन खटाना मरियो रे। मतलब का संसार से लोगो, पाप जगत में था